हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेकंड चैप्टर का थर्ड आउटकम करेंगे, वो डिस्कस जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 64A इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 64A के अकॉर्डिंग, जैसे ऑल इंश्योरर है और इंश्योरेंस कंपनीज है कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, जो अपना वो बिजनेस इंडिया में कर रही हैं, कहते हैं वो एक बॉडी, कॉरपोरेट बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, बनाएंगे, उसको इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहा जाएगा। ठीक है, द इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया विल कंसिस्ट ऑफ, जो अभी इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया वो बनी होती है मेंबर्स और एसोसिएट मेंबर्स से। मेंबर्स कौन है? कहते हैं और इंश्योरेंस कंपनीज, ऑल इंश्योरर्स दैट आर इनकॉर्पोरेटेड और डोमिसाइल्ड इन इंडिया, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, या तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं या तो वो इंडिया में ही जिनका वो ब्रांच है। ठीक है, और एसोसिएट मेंबर्स, ऑल इंश्योरेंस इनकॉर्पोरेटेड और इंश्योरेंस कंपनीज एंड डोमिसाइल्ड आउटसाइड इंडिया, तो आउटसाइड इंडिया वाले। कहते अंडर सेक्शन 64A इंश्योरेंस एक्ट 1938 स्टेट कहता है जो इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो प्रीपेचुअल सक्सेशनड अ कॉमन सील एंड शैल पावर टू एक्वायर, होल्ड, डिस्पोज ऑल द प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल एंड इनमूवेबल एंड शैल बी सेड टू नेम्स यू एंड, जो ये इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है वो सारे इनके लीगल जो लीगल राइट्स है वही देखेगी। ठीक है, कि वो कैसे डिस्पोज करना है, होल्ड करना है, एक्वायर करना है। ठीक है, अभी काउंसिल्स ऑफ इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो अभी सेक्शन 64C, अभी ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 64C के अकॉर्डिंग जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 के, वो कहता है जी टू लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल्स इंडिया में हैं। ठीक है, फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल, ठीक है, टू इंश्योरेंस काउंसिल्स हैं, फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल, दूसरी जनरल इंश्योरेंस काउंसिल। जो लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल है वो बनी होती है, कहते हैं मेंबर्स और एसोसिएट मेंबर्स, ठीक है, ऑफ एसोसिएशंस हु कैरीज लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, एंड जनरल इंश्योरेंस कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड एसोसिएशन मेंबर्स हु कैरीज जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं वो लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल्स के मेंबर हैं, और जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रही हैं, ठीक है, हु कैरीज जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, वो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल्स के। नेक्स्ट, अथॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ एसोसिएशन टू द एक्ट थ्रू एजेंट। ठीक है, कहते सेक्शन 64D ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 कहता है स्टेट्स कहते लॉ, इट शैल बी लॉफुल, ये शैल लॉफुल होएगा, एनी मेंबर ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल, कोई भी मेंबर लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल का या जनरल इंश्योरेंस काउंसिल का, उसको ऑथराइज किया है किसी भी इंडिविजुअल को, चाहे वो किसी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी का ऑफिसर है या नहीं, ठीक है, तो वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव वो हो सकता है किसी भी मीटिंग में काउंसिल की, ठीक है, या वो खड़ा हो सकता है एज ए कैंडिडेट एन इलेक्शन, जो भी इलेक्शन होता है हेल्ड बाय द काउंसिल्स, जो है काउंसिल के द्वारा कोई इलेक्शन होता है। कहते द अथॉरिटीज ऑफ द लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस काउंसिल्स शैल बी एग्जीक्यूटिव कमेटी, तो वही कहते एग्जीक्यूटिव कमेटीज होंगी जो कॉन्स्टिट्यूटेड की गई हैं बाय द सेक्शन 64E इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो 1964 है हमारा, जहाँ पे वो काउंसिल्स बनी हुई हैं, दो लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, और 64D है वो कहता है कि कोई भी जो पर्सन है वो इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है और एज ए रिप्रेजेंट कर सकता है यानी मीटिंग को, जो कि काउंसिल्स की होती है। और 64E कहता है कि हाँ जी अथॉरिटीज है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जो कॉन्स्टिट्यूटेड की गई हैं, ठीक है, अंडर द इंश्योरेंस एक्ट 1938। एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल एंड जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, कहते अकॉर्डिंग टू 64F, ठीक है, ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल है वो नीचे दिए पर्सन से मिलके बनती है, मतलब कौन कौन मेंबर होते हैं। कहते दो ऑफिशियल नॉमिनेटेड किए जाते हैं अथॉरिटी के द्वारा, और एक चेयरमैन और दूसरा एक अदर मेंबर होता है, ठीक है, और एट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं मेंबर, जो इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया
कि जो लाइफ इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया कैरिंग अ बिजनेस लाइफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इलेक्टेड इन द इंडिविजुअल कैपेसिटी, वो अपने अकॉर्डिंग वो इलेक्ट करके वो जीते हुए होते हैं, वो एट एट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। फ्रॉम सच ग्रुप्स ऑफ द मेंबर एंड फॉर्म सच एरिया एज मैनी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द अथॉरिटी। ओके, कहते हैं एक ऑफिशियल होएगा जो विद एन इंश्योरेंस बिजनेस, जो किसी भी इंश्योरेंस बिजनेस से कनेक्ट नहीं होएगा वो अथॉरिटी उसको नॉमिनेट करेगी। और फाइव पर्सनस होंगे जो कनेक्ट होंगे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से और नॉमिनेटेड बाय द अथॉरिटी, उसे भी नॉमिनेट किया जाएगा। जो पर्पस क्या है उनका, जो रिप्रेजेंट करेंगे इंश्योरेंस कैरिंग जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस हो रहा है उसको, क्या उसमें दिक्कत परेशानी आ रही है, कुछ भी ऐसा हुआ वो रहेगा तो वो उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल में या कुछ अदर पर्पसेस के लिए। द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ जनरल इंश्योरेंस काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ, जैसे हमने लाइफ इंश्योरेंस का पढ़ा तो वही आगे जनरल इंश्योरेंस का, तो ये पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही है कि दो ऑफिशियल नॉमिनेट किए जाएंगे अथॉरिटीज़ के द्वारा, एक चेयरमैन दूसरा कुछ कोई और मेंबर, एट रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है, जो इंश्योरेंस रिप्रेजेंटेटिव द मेंबर इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया कैरिंग जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इलेक्टेड इन द इंडिविजुअल कैपेसिटी बाई सेट मेंबर इन सच मेंबर, तो वही जैसे पहला वो इलेक्टेड थ्रू आएंगे, ठीक है। एक ऑफिशियल रहेगा जो इंश्योरेंस बिजनेस से कनेक्ट नहीं होगा, नॉमिनेटेड करेगी उसको अथॉरिटी। एंड पांच पर्सन रहेंगे जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, ठीक है, नॉमिनेटेड बाय द अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सच, ठीक है, तो वही इंश्योरेंस कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें मेंबर रहेंगे पाँच। कहते हैं इफ़ अगे अगर इफ़ एनीबडी पर्सन स्पेसिफाइड इन वन एंड टू, वन ईयर और टू, ठीक है, वन एंड टू इलेक्टेड एनी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव फेल्स टू इलेक्ट, अगर मतलब सारे इलेक्शन के थ्रू ही मेंबर्स आएंगे, अगर कोई फेल हो जाता है इलेक्शन में, ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ हैं वो या लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल या जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की, ठीक है, तो IRDA में नॉमिनेट एनी पर्सन टू फिल, तो IRDA नॉमिनेट करेगा उस वैकेंसी को फिल करने के लिए, ठीक है। ओके, तो कहते नो ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय IRDA शैल बी एंटाइटल, कोई ऑफिशियल नॉमिनेटेड IRDA के द्वारा एंटाइटल नहीं किया जाएगा, वेदर आप चेयरमैन है या कोई अदर मेंबर है, ठीक है, टू वोट इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर कमिंग अप बिफोर द मीटिंग एग्जीक्यूटिव ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल ऑफ द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल एज द केस में। ओके, द लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल एंड जनरल इंश्योरेंस काउंसिल मे फॉर्म सच अदर कमेटी, वो बना सकती हैं, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल या जनरल इंश्योरेंस काउंसिल कोई फॉर्म अदर कमेटीज की फॉर्म बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कि वो फिट हो सकती है डिस्चार्ज फंक्शंस के लिए, ठीक है। एंड कहते जो सेक्रेटरी ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल एंड द एंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है, ऑफ द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, जो सेक्रेटरी है वो IRDA द्वारा नॉमिनेटेड ऑफिशियल नॉमिनेटेड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ड्यूरेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी, कहते हैं अकॉर्डिंग टू 64H ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 64H मीन्स ड्यूरेशन एंड डिसोल्यूशन, ठीक है, तो 64C क्या है, 64F क्या है, ठीक है, 64C, 64D, 64F एंड 64H, ये ध्यान रखने हैं कौन कौन से क्या क्या है। तो अभी 64H है ड्यूरेशन, कहते हैं जो ड्यूरेशन है एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल या जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की, वो 3 साल की है, ठीक है, वो 3 साल तक चलेगा। और कब एक्सपायर होएगा, कहते जो फर्स्ट मीटिंग उसकी स्टार्ट हुई है, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द एक्सपायरी ऑफ विच शैल बी डिसॉल्वड एंड न्यू एग्जीक्यूटिव कमेटी बी कंस्टिट्यूटेड, तो लास्ट मीटिंग जो फर्स्ट मीटिंग हुई है उसी डे को लास्ट मीटिंग तक वो 3 साल तक चलेगी। कहते नाउ विद स्टैंडिंग द डिसोल्यूशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल एंड जनरल इंश्योरेंस काउंसिल आउट गोइंग मेंबर दे शैल बी कंटिन्यू, अच्छा ये कहते हैं कि अगर मानो 1 तारीख को डेट स्टार्ट होगी, एक एग्जाम्पल भी दी है इसकी ना, कहते कि अगर एक
मीटिंग स्टार्ट हुई इतनी तारीख को, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू हम इसको पॉइंट को बड़ा देखते हैं। एग्जांपल दिए जैसे कहते हैं, लेट अस अज्यूम दैट फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यूली फॉर्म्ड एग्जीक्यूटिव कमेटी टुक प्लेस ऑन, अगर कहते कोई न्यूली फॉर्म एग्जीक्यूटिव कमेटी 1 जनवरी 2006 को बनी है, तो कहते हैं दिस कमेटी शेल बी डिजॉल्व्ड। तो ये जो कमेटी है वो 3 साल तक चलेगी, ठीक है, ख़त्म हो जाएगी। बट फिर भी कहते हैं कि अगर 31 दिसंबर 2000, इसकी मतलब डेट रहेगी 31 दिसंबर 2008 को, ठीक है, 31 दिसंबर 2008 को वो ख़त्म हो जाएगी। फिर भी कहते हैं जो न्यू न्यू एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो फॉर्म होएगी 10 जनवरी 2009 को। इसीलिए जो उसके मेंबर हैं वो मेंबर ऑफ डिजॉल्व्ड एग्जीक्यूटिव, जो ख़त्म हुई एग्जीक्यूटिव कमेटी के, वो काम करते रहेंगे और ऑफिस को होल्ड रखेंगे, एंड डिस्चार्ज तब करेंगे जब प्रिस्क्राइब्ड टू डैम उनको दिया जाएगा लिख के 10 जनवरी 2009 को, जब नई नई कमेटी फॉर्म होएगी तो वो अपना डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है, ड्यूटीज से। फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल्स, अभी फंक्शंस हैं इसके 64J, मीन्स फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल। 64H हमारे ड्यूरेशन था, 64J इज अ फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल अंडर द इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल्स के फंक्शंस क्या हैं, कहते हैं हेल्प करता है, एडवाइज़ करता है या असिस्ट करता है इंश्योरेंस कंपनीज को, इंश्योरर को जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और उनको हेल्प करता है उनके स्टैंडर्ड सेट करने में, कंडक्ट सेट करने में, और कैसे काम करना है साउंड प्रैक्टिस में वो उनकी मदद करता है, ठीक है। और हाँ, जो बेनिफिट रहते हैं होल्डर के लिए, उसकी हेल्प मींस के पॉलिसी होल्डर के लिए वो बताता है कि हाँ जी क्या कौन कौन से उसमें स्टैंडर्ड सेट करने हैं, कंडक्ट करना है, कैसे काम करना है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के। और नेक्स्ट कहते एडवाइज़ करता है IRDA को इन द मैटर ऑफ कंट्रोलिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है, इन इन द रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। टू ब्रिंग द नोटिस ऑफ द IRDA इन द केस ऑफ इंश्योरेंस एक्टिंग इंश्योरर, IRDA का नोटिस इंश्योरेंस कंपनी के पास लेके आता है जो हार्मफुल वे से इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं पॉलिसी होल्डर के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, ठीक है। टू एक्ट इन एनी मैटर इंसिडेंटल और एंसिलरी टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन क्लोज, जो क्लोज ए में और क्लोज सी में जो भी कोई इंसिडेंटल या कुछ एक्स्ट्रा मैटर्स होते हैं विद द अप्रूवल ऑफ IRDA, उसको नोटिस नोटिफाई करता है द लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल इन द गैजेट ऑफ इंडिया, ठीक है। कहते फॉर द पर्पज ऑफ एनेबलिंग इट टू डिस्चार्ज फंक्शन इफेक्टिवली द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल मे कलेक्ट सच सम ऑफ मनी वेदर बाय द फीस और अदरवाइज एज मे बी प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑल मेंबर्स, कुछ भी काम रहता है, कुछ पर्पस रहता है एनेबल और डिसेबल करने का कुछ भी, तो वो मनी कलेक्ट कर सकता है एज अ फीस लेके या कुछ अदर तरीक़ों से एक्सपेंसेस। ये वही एक समरी दी हुई है एक लास्ट की, 4 काम दिए हैं जो हमने पढ़े हैं ये वाले, आप देख लेना एक इसको सम अप के लिए। ओके, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल 64L, और 64J था ये, 64L, एल मीन्स 64L जनरल इंश्योरेंस काउंसिल। तो फंक्शन इसके भी कुछ सेम ही है। तो फर्स्ट जैसे है हमारा हेल्प करता है, ठीक है, एडवाइस करता है इंश्योरेंस कंपनीज को उसके स्टैंडर्ड सेट करने में कंडक्ट, और उसको कैसे काम करना है टू द एफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए होल्डर को, ठीक है, होल्डर ऑफ द पॉलिसीज इन द जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। एडवाइस करता है IRDA को जो कंट्रोल हाँ भी ऐसे एक्सपेंसेस कंट्रोल हो रहे हैं और जैसे बिजनेस चल रहा है इंडिया में जनरल इंश्योरेंस का, ठीक है, उसके वो अच्छा इन द मैटर ऑफ कमीशन एंड अदर एक्सपेंसेस, और कमीशन के मैटर में और जो दूसरे खर्चे हैं उसके बारे में भी वो उसको बताता है, एडवाइस करता है। टू ब्रिंग द नोटिस ऑफ द IRDA का नोटिस लेके आता है टू द इंश्योरेंस कंपनी, उनको देता है जो प्रिडिशियल मैनर से काम कर रहे हैं, जो हार्मफुल हैं इंटरेस्ट ऑफ द होल्डर्स, ठीक है, जो कुछ हार्मफुल
हार्मफुल वे से काम कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनीज, उसके उसको IRDA का नोटिस उनको लेके आता है ऑफ द जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज टू एक्ट एज ए मैनर। तो वही क्लोज ए एंड क्लोज सी, ठीक है। तो जो उनके यानी मैटर्स हैं वो स्पेसिफाइड की, जो कोई मैटर्स हैं स्पेसिफाइड किए गए हैं उसमें ए और सी में, उसकी अप्रूव IRDA की अप्रूवल के साथ इंसिडेंटल या एक्स्ट्रा मेथड को नोटिफाई करता है जनरल इंश्योरेंस काउंसिल में इन द गैजेट ऑफ इंडिया। तो सेम कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग, जो एनेबलिंग इट डिस्चार्ज फंक्शंस इफेक्टिवली, काम करने के लिए जो एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ जनरल इंश्योरेंस काउंसिल है वो कलेक्ट सच फीसिस, जो फीस कलेक्ट कर सकती है, मे बी प्रिस्क्राइब्ड, जो लिखा होता है ऑल इंश्योरेंस कंपनीज कैरिंग अ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। वही डायग्राम दी है फंक्शन वाली, जैसे पहले लाइफ इंश्योरेंस की दी थी तो ये जनरल इंश्योरेंस की है। नेक्स्ट पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी टू एक्ट टुगेदर इन अ सर्टन केसेस, कहते 64N ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 स्टेट करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कहते कुछ सर्कमस्टांसिस है प्रिस्क्राइब किए हैं जिसमें वो जो लाइफ इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल वो अपनी जॉइंट मीटिंग एक होल्ड कर सकते हैं कोई सेम कोई कॉमन इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। वो बोथ कमेटीज अपनी वो मीटिंग कर सकते हैं। कहते इट शैल बी लॉफुल, वो लॉफुल होएगा टू कमेटीज सच जॉइंट मीटिंग, जो उनकी डेलीगेट्स हैं, ठीक है, एनी कंसिडरेशन किसी पॉइंट पे वो सब कमेटीज अपॉइंट करते हैं, तो वो फॉर द पर्पज ऑफ अमंगेस्ट द मेंबर ऑफ टू कमेटीज, तो जो उनके मेंबर्स हैं वो अपनी ज्वाइंट वो कमेटी, ठीक है, कुछ मीटिंग वो कर सकते हैं, ठीक है, कोई सेम सेम पर्पज़ के लिए बोथ